अब सब लोग यहां पर देखें, ये हमने बता दिया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ये हमने बताया था प्रिज्म के ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम बाउंडेड बाय इट इज बाउंडेड बाय थ्री रेक्टेंगुलर सरफेस एंड टू ट्रायंगुलर सरफेस। ये क्या है, बाउंडेड बाय थ्री रेक्टेंगुलर सरफेस। जैसे ये प्रिज्म का डायग्राम दिखाई दे रहा है, को दिखाई दे रहा होगा कि ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये वाला सरफेस क्या है रेक्टेंगुलर, ये वाला भी सरफेस कैसा है रेक्टेंगुलर, पर तीन ये क्या है ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगुलर सरफेस, दो ट्रायंगुलर सरफेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर सरफेस। प्रिज्म क्या है, इट इज ए ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम विच इज बाउंडेड बाई थ्री रेक्टेंगुलर सरफेस एंड टू ट्रायंगुलर सरफेस। Now you know that, तुमको ये मालूम है कि जो रेक्टेंगुलर सरफेसेज हैं उनको क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज, रेक्टेंगुलर सरफेसेज आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज, इसलिए वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाते हैं। देख लो रिफ्रैक्टिंग एज लाइन अलोंग विच रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज मीट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एज, एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग फेसेज दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल, एंड व्हाट इज प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म सरफेस ऑफ द प्रिज्म परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टिंग एज इज नोन एज प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। और ये किस शेप का होता है प्रिंसिपल सेक्शन, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। अब देख लो अगर हम देखें यहां पर देख ले, ये यहाँ पर इस डायग्राम में शो किया गया है रिफ्रैक्टिंग एज क्या है, ये रिफ्रैक्टिंग एज है, सब लोग देख लिए, दिस इज रिफ्रैक्टिंग एज, हैव यू गॉट, ये रिफ्रैक्टिंग एज, ये AD को रिफ्रैक्टिंग एज नेम किया गया। रिफ्रैक्टिंग फेसेज क्या है, देख लो एक रिफ्रैक्टिंग फेस यहां दिखाई दे रहा है ACFD और दूसरा क्या है ABED। अब देख लो इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म जिसको ए से डिनोट करते हैं। अब देख लो रिफ्रैक्टिंग एज ये है AD, इसके परपेंडिकुलर कौन सा सरफेस है ABC, ये प्रिंसिपल सेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर कौन सा है DEF, ये प्रिंसिपल सेक्शन है, आर यू गॉट, सो नाउ सी हियर दिस आल्सो आई वुड टोल्ड दैट हाउ रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल्स अपॉन द प्रिज्म। तो देख लो This is a PQ ray falling on the surface AB at which point? At point Q. Ray PQ is falling on the surface at the point Q.
ये क्यू पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रा किया गया होगा, ये देख लो ये जो डॉटेड लाइन है इट इज द नॉर्मल ऑन सरफेस ए बी एट द पॉइंट क्यू, यू कैन सी हियर नॉर्मल ऑन द सरफेस ए बी एट द पॉइंट क्यू. सो व्हाट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बन. नाउ दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या है, सिंस रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, एयर से ग्लास, मतलब रेयरर से डेंसर, देयरफॉर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. दिस डॉटेड लाइन बोथ गिव्स द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये क्यू एफ क्या है, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे देखता है. इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल मीन्स क्यू आर इज द रिफ्रैक्टेड रे. So what is the angle from the normal? This is the angle of refraction. R1 kya ho gaya? Angle of refraction. Now when it falls on the surface AC, so you draw the normal at the point R on surface AC. Surface AC par point R par ye normal draw. So angle between this ray and normal is angle of incidence. It's clear? Now it will bend away from the normal. Normal से दूर जा रही, मतलब किधर जा रही, इस तरफ. So this is the angle of emergence. ये कौन सा angle हो गया? Angle of emergence. आये समझे? So I1 is angle of incidence. I2 is angle of emergence. R1 is angle of refraction on the first surface. And R2 is angle of incidence on the second surface. अब अगर ये यहां पर इमरजेंट रे कौन सी है, आर एस, इंसिडेंट रे क्या है, पी क्यू, रिफ्रैक्टेड रे क्या है, क्यू आर. अगर इमरजेंट रे को पीछे बढ़ाएं, इट मीट्स टू द ओरिजिनल डायरेक्शन एट द पॉइंट ई, यहां पर मिल रही है ओरिजिनल डायरेक्शन को ई पॉइंट पर. हाउ मच एंगल इट मेक्स फ्रॉम द ओरिजिनल डायरेक्शन डी, जिसको हमने किससे शो किया था, हमने शो किया था इसको डेल, ये हमने शो किया था इस सिंबल, इसको हमने क्या कहा था कि ये सिंबल क्या है, डेल है. समझ में आया ना, ये डेल हमने कहा था. अब देख लो इसके बाद हमने एक रिलेशन बताया था, व्हाट इज द रिलेशन and what is angle of it be here, this is the angle of, because one refracting surface is AB and other refracting surface is AC. एक refracting surface तुम्हारा क्या है, ये है AB and other is AC. So what is the angle between them, this is the angle of it. ये angle क्या है, angle of it. Now, what is the relation between I1, I2, R1, R2 and E? So that you can see here, this also I2, that I1 plus I2 will be equal to how much? I1 plus I2 equals to del plus E. I1 plus I2 equals to del plus E. Here you can see, here it is. And R1 plus R2 equals to what is D or del, it is the angle of deviation. Angle of deviation I told, angle which emergent ray makes from the original direction of incident ray on emerging out of the fringe. मतलब fringe से निकलने के बाद ये जितना angle बनाए from the original direction, that is known as angle of deviation. Now I am going to explain dependence of angle of deviation on angle of fringe. Dependence of angle of deviation on angle of incidence. Angle of deviation की क्या dependence है on the angle of incidence. Angle of incidence पर क्या dependence है, that I will going to explain. ये हम बताने जा रहे हैं. तो देख लो है क्या, with increase in angle of incidence, angle of deviation firstly decreases and then increases. With increase in angle of incidence, angle of deviation
firstly decreases and then increases. You can see here, हम यहाँ पर देख सकते ये जैसे क्या है, ये प्रिज्म है, और ये एक रे ऑफ लाइट यहां पर ऐसे पड़ रही है. व्हाट इज द नॉर्मल हियर? नॉर्मल इज दिस, इसके इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन इज दिस. आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे, एंड देन इट बेंड इन दिस डायरेक्शन. व्हेन यू विल प्रोड्यूस दिस रे, इमर्जेंट रे, सो दिस इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन. And this is the angle of incidence I1 या simply I. हम क्या करें, I की different values लेके del की different values find out करें. I की different values के लिए del की values find out करें. कि जब angle of incidence experimentally हम find out करेंगे. जब ये 30 degree है, जब ये 40 डिग्री है, मतलब ये एंगल जब 50 डिग्री है, ये इतना एंगल 50 है, एंड देन 60 डिग्री है, देन व्हेन इट इज 70, व्हेन इट इज 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री एंड 70, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यू डिटरमाइन द एंगल ऑफ डेविएशन. तो हम देखेंगे ये कितना आ गया यहाँ पर, सपोज 52 डिग्री, इसके लिए ये 48 डिग्री, इसके लिए ये 44 डिग्री, इसके लिए 39 डिग्री, और इसके लिए ये 45 डिग्री. यू कैन सी हियर, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, इट इज डिक्रीजिंग एंड देन पहले एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज कर रहा है एंड देन इट इंक्रीज. ऐसे मींस विद इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्टली डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीज. ऐसे दिस थिंग इज क्लियर आर नॉट? विद इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्टली डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज. सो इफ यू ड्रा द ग्राफ, अगर हम ये ग्राफ ड्रा करें, किसका किसका बीच में, हमने इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया, इधर एंगल ऑफ डेविएशन. व्हेन यू विल ड्रा द ग्राफ यू विल फाइंड दैट ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, मतलब ग्राफ कुछ ऐसे होगा. एंड देन आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन वैल्यू वंस अगेन एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेस. तो देख लो, हम यहां पर देख सकते हैं कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, ये वैल्यू है एंगल ऑफ इंसिडेंस की, ये कुछ वैल्यू होगी. ऐसे फॉर दैट दैट आई हैव नेम्ड एज आई एम, हमने क्या नेम कर दिया आई, इस वैल्यू के लिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, मिनिमम है. दिस इज द डेल एम, दिस एंगल इज डेल एम, मतलब ये एंगल मिनिमम कब होगा, जब आई तुम्हारा ये क्या है, इट इज इक्वल टू आई एम. इन दैट केस दिस स्प्रिंग विल प्रोड्यूस मिनिमम डेविएशन, मींस स्प्रिंग प्रोड्यूसिंग मिनिमम डेविएशन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई. नाउ सी हियर, दिस एंगल इज दिस एंगल ऑफ डेविएशन, या ये एंगल क्या है, ये एक यूनिक एंगल है. आई एम क्या है, एक यूनिक एंगल. यूनिक का मतलब क्या होता है, यूनिक मींस वन एंड ओनली वन, यूनिक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक, मींस दिस एंगल इज वन एंड ओनली वन, मतलब अगर कोई दूसरा एंगल होगा तो उसके लिए डेल की वैल्यू क्या आएगी, डेल एम से अधिक आएगी. इफ यू टेक दिस एंगल अदर देन आई एम, देन एंगल ऑफ डेविएशन विल बी मोर देन डेल एम.
I suggest it is minimum only in which case जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है IM के बराबर। अगर एंगल हम चेंज कर देंगे then angle of division will not be minimum, it will be greater than it's clear. So spring produces minimum deviation for a unique angle of incidence. For a unique angle of incidence, it produces minimum deviation. That I am writing here. Minimum deviation मतलब minimum angle between emergent ray and original direction of incident ray. Produce minimum deviation. For a unique angle of incidence. Unique means one and only one angle of. But it can produce same deviation, which is not minimum, which is not minimum for two different angle of incidence. You can see here. What does it mean? इसका कहने का मतलब क्या है? हमने बताया ये I है, ये क्या है? Tell. अगर हम देखें तो ये ग्राफ क्या है? ये ऐसे है. Prism is producing minimum deviation for this angle of incidence. इस angle of incidence के लिए minimum deviation produce कर रहा है, which is equal to del m या del minimum कुछ भी कर सकते हैं। पर अगर हम ये देखें, इतना deviation जब deviation इतना है, ये वैल्यू क्या है डेल एम से ज्यादा ही होगी, इसके करिस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? तो यू कैन सी एक तो वैल्यू ये है आई वन, यू कैन नेम अनदर वैल्यू इज दिस, यू कैन नेम आई टू। मतलब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वन है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है ये है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है वही है। मीन्स इट कैन प्रोड्यूस सेम डेविएशन विच इज नॉट मिनिमम फॉर टू डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट मिनिमम डेविएशन इट प्रोड्यूस फॉर ए यूनिक एंगल ऑफ इंसिडेंस। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। ये मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस करता है, दिखाया गया है यहाँ पर, देख सकते हो। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के बराबर है, व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन डेल एम, यू कैन सी आई के बराबर है एंगल ऑफ डेविएशन क्या है डेल एम। पर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वन है या आई टू है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है डेल है, विच इज नॉट मिनिमम, मीन्स सेम डेविएशन फॉर टू डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, वन फॉर आई वन एंड अदर फॉर आई टू। अब देख लो, जब प्रिज्म मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस करता, देन देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन आई वन आई टू एंड आर वन आर टू। व्हाट इज दैट रिलेशनशिप, यू कैन सी when this angle is minimum, जब ये angle minimum है, then I1 will be equal to I2, R1 will be equal to R2. It's clear? Means when del is equal to del minimum, I1 equals to I2, R1 equals to
R2. You can see here. And the minimum angle of deviation when del equals to del M. Here already I have written. From the graph, it's clear that it can produce same deviation for two different angle of incidence. But it produces minimum deviation for a unique angle of incidence. Are you understood this thing? And yes, the angle of minimum deviation, matlab jab del del M ke barabar hai, tab I1 equals to kya hoga? I2. Jisko humne I le liya. Na? I हमने assume कर लिया I1 I2 ना यूज करके I assume कर लिया R1 will be equal to R2 and R it's clear तो देख लो अब इस relation को तुम देख सब लोग इस relation को देखते हैं ये वाला relation I1 plus I2 equals to del plus E तो I1 के प्लेस पर हमने क्या लिखा I लिखा I2 के प्लेस पर भी क्या लिखा I del के प्लेस पर क्या लिखा del M ये तो एंगल ऑफ फ्रीडम है दैट विल रिमेन सेम सो I plus I equals to 2I equals to del M plus E मींस I कितना हो गया यहां पर सब लोग देख लें I कितना है मतलब जब किस एंगल के लिए मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस करेगा वो कितना है ये डेल एम प्लस ए अपॉन फॉर विच एंगल ऑफ इंसिडेंस स्प्रिंग प्रोड्यूसिंग मिनिमम डेविएशन इट इज दिस आई इक्वल्स टू डेल एम प्लस ए अपॉन टू सिमिलरली यू कैन सी हियर आर वन प्लस आर टू इक्वल्स टू ए यू गॉट So R1 plus R2, matlab R plus R equals to A, that is 2R equals to A. So what is R here? You can see here. R kya hai? Dekh lo. R equals to A by 2. Are you understood? Yes. Matlab kya hai? Now all of you wait for a minute. तो सब लोग देखते हैं यहाँ पर हमने बताया जब डेल डेल मिनिमम के बराबर है then I1 will be equal to I2. I1 क्या था एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 क्या था एंगल ऑफ इमर्जेंस जो डायग्राम हमने पहले दिखाया है बताया है उसको ध्यान देंगे R1 will be equal to R2. I suggest. और एक चीज और भी होगी अगर ये इक्विलेटरल या आइसोसेलेस प्रिज है इक्विलेटरल मतलब तीनों एंगल क्या हो 60 या क्या हो ये दोनों एंगल बराबर इन दैट केस व्हाट विल हैपन रिफ्रैक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द बेस ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे क्या होगी बेस ऑफ प्रिज्म के बराबर होगी ये पैरेलल होगी रिफ्रैक्टेड रे कौन सी रिफ्रैक्टेड रे है ये वाली रिफ्रैक्टेड ये इसके पैरेलल होगी ऐसे ये अक्सर डायग्राम बनाने को आता है तो उसमें हमको दो चीजें ध्यान देनी है जो कि हमारे कोर्स में इक्विलेटरल प्रिज्म है उसी के लिए बनाना होगा सो रिफ्रैक्टेड रे will be parallel to this. या अगर refracted ray इसके parallel दिया है, means the fringe which kept in minimum deviation position. Fringe कैसे रखा? Minimum deviation position. और दूसरी चीज ये है, ये दोनों angle बराबर होने चाहिए. मतलब ये बराबर inclined होनी चाहिए. ये ऐसे नहीं, बनाएंगे हम free hand diagram ही. पर क्या है? हम equi inclined show करेंगे. इक्वी इंक्लाइंड सो करेंगे मतलब क्या है ये ऐसा नहीं सो करेंगे कि एक जगह तो हमने और यहां पर ये ऐसे तो ये इक्वी इंक्लाइंड नहीं आए समझे हमको इक्वी इंक्लाइंड मतलब इक्वी इंक्लाइंड का मतलब क्या है जो बराबर झुकी
ऐसे बराबर इंक्लाइन कर रही हो, वो इस चीज को हम शो करेंगे। तो यहाँ पर इंक्लाइन नहीं, यहाँ पर है। सो एट द मिनिमम डेविएशन पोजीशन डेल इक्वल्स टू डेल मिनिमम आई वन विल बी इक्वल टू आई टू आर वन विल बी इक्वल टू आर टू एंड रिफ्रैक्टेड रे विल बी पैरेलल टू बेस ऑफ it will be parallel to base of frequency. Now you can see here just now you have seen this relation that I1 plus I2 equals to del plus A. So jab rakhenge to I plus I equals to del M plus A. Matlab 2I equals to del M plus A. So what is I? Del M plus A by 2. Similarly, R1 plus R2 equals to A means R plus R equals to A. Matlab R equals to A by 2. Also, अब देख लो, अगर हम refractive index लिखें, तो हम तुमको दिखा रहे हैं कैसे refractive index लिखेंगे यहाँ पर। तुमको मालूम है दिस एंगल वी हैव टेकन आई वन एंड दिस एज आर। अभी इनको नए नेम क्या दे दिए, आई, और इसको क्या दे दिया, आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा मटेरियल ऑफ ग्लास का, म्यू जी कितना हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू जी इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। So sin I, what is I here? Just you have calculated. Sin del M plus A by 2 divided by sin A by, मतलब ये refractive index of material of lens होगा. Refractive index of material of lens. It is clear? So these things you will remember, जो हमने box में रखी है. हम एक बार फिर से इसको बता रहे हैं। यू कैन सी हियर नाउ व्हाट इज द डिपेंडेंस ऑफ दिस, आई हैव टोल्ड आई वन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द सरफेस ए बी, R1 angle of refraction on the surface AB, R2 angle of incidence on the surface AC, I2 is angle of emergence या angle of refraction on the surface AC, dr del that I have told. Then what is the dependence? This I have told. ये क्या है? Angle dependence of angle of deviation on angle of incidence. With increase in angle of incidence, angle of deviation firstly decreases and then पहले जो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है और फिर क्या हो रहा है, have you got? So this, इसके बाद you can see here what is the relation between I1, I2, R1, R2 at del equals to del M. So you can see here what is the relation here. अगर हम देखें यहाँ पर when del equals to del M then I1 equals to I2 equals to I and R1 equals to R2 equals to R. From here you will get I is this and R is this. It's clear. Now if you write the refractive index, formula of refractive index will be this. ये formula of refractive index. अब सब लोग अपनी बुक में ध्यान देखें. बुक लो. You can see in your book. First, you see these questions. Numericals. Have you got the numerical? सब लोग numericals को print कर अपनी book में देखेंगे numericals. What is the first numerical? A ray of light incident at the angle of incidence 48 degree
angle of incidence is 48 degree. On a prism of refracting angle means 60 degree, suffers minimum deviation. It is suffering minimum deviation. मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कब है मिनिमम डेविएशन पर. कैलकुलेट द मिनिमम डेविएशन डेल एम. सो सी हियर व्हाट इज द फॉर्मूला आई. आई इक्वल्स टू ए प्लस डेल एम अपॉन टू. तो सब्स्टिट्यूट हियर इक्वल्स टू 60 प्लस डेल एम अपॉन टू. सो व्हाट इज 60 प्लस डेल एम. 48 into 2, that is 96. So del M equals to, मतलब 36 हो गया. ये angle of minimum deviation कितना हो गया 36. Now you see the second question. What should be the angle of incidence? Angle of incidence find out करना. For a ray of light which suffers minimum deviation of 36 degree, means del M is given 36 degree, and through an equilateral prism. जब equilateral prism कर दिया तो सभी angle क्या होंगे बराबर होंगे. तो refracting angle भी क्या हो जाएगा 60 degree. So now you can find here I. It is very simple. 60 plus 36 upon 2. Means 96 upon 2, that is equals to 48 degree. समझ में आ गया? Yes, yes, sir. आप देख लो इसके बाद del की dependence दो तीन और factor. There are three more factors on which del depends. सबसे important dependence तो क्या है? Angle of incidence पर है. That already I have told. Dependence of del on refracting angle. जैसे हम पूछे ये एक प्रिज्म वन है और ये एक प्रिज्म टू है. रिफ्रैक्शन इन दोनों सरफेस के बीच में हो रहा, यहां पर इन दोनों सरफेस के बीच में हो रहा. इन विच केस रिफ्रैक्टिंग एंगल इज मोर. इन केस टू. ये रिफ्रैक्टिंग एंगल ऐसा. और जितना अधिक रिफ्रैक्टिंग एंगल होगा उतना ही अधिक एंगल आप मोर द रिफ्रैक्टिंग एंगल मोर विल बी एंगल ऑफ डिग्री. मतलब थिन प्रिज्म प्रोड्यूसेज स्मॉलर डेविएशन, जबकि ये जिनमें अधिक होगा थिकर प्रिज्म होंगे वो अधिक डेविएशन होंगे. ये अगर एंगल है एंगल कम है डेविएशन कम होगा, एंगल अधिक है डेविएशन विल बी मोर. सो दिस इज द सेकंड फैक्टर. देन डिपेंडेंस ऑफ एंगल डेल ऑन म्यू. बताओ म्यू क्या चीज है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है देन बेंडिंग मोर होगी. बेंडिंग मोर होगा मतलब ऑब्वियसली ये डेल मोर होगा. मोर आर आई मीन्स मोर विल बी बेंडिंग, और बेंडिंग मोर होगी देन मोर विल बी वैल्यू ऑफ डेल. डेल की वैल्यू उतनी ही अधिक होगी. एंड व्हाट इज लास्ट फैक्टर? ऑन वेवलेंथ. ऑन वेवलेंथ हमको मालूम है अगर मोर लैम्डा. म्यू क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. मोर इज द लैम्डा लेस विल बी लेस. म्यू मीन्स लेस डेल. इट्स क्लियर? मीन्स रेड कलर जिसके लिए लैम्डा कितना है 8000 एंगस्ट्रा,
violet color. Lambda is 4000 angstrom. For which more deviation will be more. So, इसके लिए violet. More